शेख, एक मेरा सवाल है कि तहज्जुद में अलग 3 वितर छोड़ के आठ आठ रिकात पढ़े थे दो करके, क्या मैं जी सही समझाऊं? जी तो जी कम से बिल्कुल कम दो पढ़ सकते हैं, कम से कम दो पढ़ सकते हैं, दो रिकात पढ़ सकते हैं, और ज्यादा से हाँ ज्यादा आठ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मतलब कम अगर से कम कोई दो। किसी देखिए, हाँ बिल्कुल, आप देखिए ये वाजिब तो है नहीं, कयामुल लेल की नमाज या तहज्जुद की नमाज वाजिब नहीं है। जितनी आपको तौफीक हो आप उतनी पढ़ सकते हैं, आप दो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छा, आप और चाहते हो कि उतना पढ़ो जितना नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है, तो आप आठ पढ़ो। तीन वितर। जी जी अच्छा। और एक एक हदीस है कि अगर कोई तहज्जुद में 1,000 आयतें पढ़ता है तो ममकन तरीन में शुमार किया जाता है, क्या ये रवायत सही है? ये अब शायद मेरे ख्याल से ये मैंने कहीं वल्ला, पढ़ा था, उस लेकिन अगर 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 आप उस रिवायत का हवाला देंगे तो ये अबू दाऊद में मुझे ज्यादा किताब, हम ये अबू दाऊद में एक्चुअली मैंने ये सुना था, मुफ्ती मैंग है ना जो इंग्लिश स्पीकर है, तो मुफ्ती मैंग एक ने कहा सेकंड, था। ये जी सुनन अबी दाऊद और इब्न खुजैमा इब्न हिब्बान वगैरह की रिवायत है, और ये हदीस सही है, काबिले एहतिजाज है। हदीस के अल्फाज हैं कि मन कामा बे अशरे आयातिन लम युक्तब मिन अल गाफिलीन, व मन कामा बे मिअति आयतिन कुतिबा मिन अल कानतीन, व मन कामा बे अल्फ आयतिन कुतिबा मिन अल मुकंतरीन। तो ये रिवायत सही है कि अगर कोई अपने कयामुल लेल में ज्यादा कुरान पढ़ता है, 1,000 आयतें पढ़ता है, जाहिर है 1,000 आयत पढ़ने का मतलब हुआ कि वो लंबा जो है कयाम कर रहा है, तो कुतिबा मिन अल मुकंतरीन, तो ये रिवायत जी सही है। अगर मैं भाई हमको सुन रहे हैं तो जी मुझे है, मालूम बिल्कुल मैं होना सुन चाहिए रहा कि हूँ, रिवायत सही है। जी ये रिवायत सही है, मतलब जी अमल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जी वो रिवायत सही है।